नमस्कार स्टडी टू फैक्ट आउ एक नुआ अध्याय को आपनको स्वागत करछु अविनाश। इजराइल ले बनिला नुआ सरकार। नेथनियाहुंको जुगर घटला अवसान। नेथनियाहुंकर 12 वर्ष शासनर अवसान घटाई नुआ प्राइम मिनिस्टर भाबे नेफ्थाली बेनेट दायित्व ग्रहण करिछंती। इजराइली पार्लियामेंट अप्रूव न्यू गवर्नमेंट साइटिंग नेथनियाहु, जहाकि न्यूयॉर्क टाइम रो एक आर्टिकल अटे। आपण जाणिकि आश्चर्य हेबे जे संख्यागरिष्ठता हासिल करने जी भोट आवश्यक नेफ्थाली बेनेट ठीक से भोट ही पाई। आगक कौन है कौन पुणी इज्राएल सरकार भांग नेथनियाहुप कि कार्यानुष्ठान संपूर्ण जानवा यह भिडियो देखो। इज्राएल पार्लियामेंटर सीट संख्या 120 अटे। आम जदि इज्राएल इलेक्शन हिस्ट्री को भी देखा तो कौन सी गोटे पार्टी केवे भी मेजोरीटी हासिल करनी। देखो विगत इज्राएल इलेक्शन हिस्ट्री हिसाब से कौन सी पार्टी एक संख्या संपूर्ण संख्यागरिष्ठता हासिल करनी जपरिक कौन सी बिना साहय सरकार गठन करठार सर्वदा एक मेट सरकार ही बनी आस। देखु जदि कौन सी पार्टी के संपूर्ण संख्यागरिष्ठता हासिल नक पारे तेणु से मेट सरकार ही बनबो। से हीपरी इज्राएल सदा सर्वदा मेट सरकार ही बनी आस। गत संडे जो भोटिंग होता से 120 मेम्बर जड़े आबसेंट थे जहाँफल नेफ्थाली बेनेट 60 एवं अपोजिशन 59 भोट पाई तेणु बेनेट को पीएम हबार सुजोग मिल जाइला। 59 एवं 60 ए दुई भोट्र आपन जानपारे बेनेट केते कम मेजोरीटी हासिल कर। यही इलेक्शन ले प्रथम कर आरब पार्टी एक प्रकार इज्राएल पावर को आसी। यह छड़ा आपण प्राय जानते इज्राएल पीएम कर कार्यकाल 4 वर्ष अटे और वर्तमान मेट आसवर हिसाब से प्रथम 2 वर्ष नेफ्थाली बेनेट पीएम रे और शेष 2 वर्ष लैपिड इज्राएल पीएम रूपे दायित्व ग्रहण करेंगे। देखो जेहेतु सरकार मेट हो तेणु बेनेट 2 वर्ष पीएम रे लैपिड को भी 2 वर्ष पीएम भारत बेनेट देवे। यह छड़ा जदि मोर पर्सनल ओपिनियन देवी तो इज्राएल वर्तमान सरकार 4 वर्ष प्रायत रही नपे एवं यह प्रथम 2 वर्ष मध्य भांगी जाई पारे कारण मेजोरीटी बहुत ही कम। जमी आप पूर्व भी कही मेजोरीटी बहुत ही कम अच्छी तेणु इज्राएल सरकार प्रथम 2 वर्ष भांगे चानसेस बहुत अधिक। यह छड़ा आपण मन में यह प्रश्न आसपे जे बेनेट कौन लैपिन को पीएम बनवर सुजोग देवे ता तो समय कह एवं कौन नेथनियाहु पुणि थे पावर को ग्राब करने चेष्टा करेंगे। देखो नेथनियाहु होती इज्राएल सबुठ अधिक दिन शासन कर पीएम अटंती से 2009 अपराजित थे। यह छड़ा बेनेट नेथनियाहु सरकार एक मंत्री भाव कार्य कर सारी। आपण प्रायत जानते हैं बेनेट यह पूर्व सरकार काम कर मंत्री भाव कार्य तुलाई पालेस्तीनवासी यह मत दे इज्राएल पुराणा एवं वर्तमान सरकार भितर प्रायत सेमती किसी नुआ ना कारण पूर्वतन पीएम भी पालेस्तीन को सपोर्ट करून थिले एवं बेनेट केवे पालेस्तीन को सपक्ष में किसी कही नहांती भी आग को कहार चांस बहुत कम। तो वर्तमान आपण मन यह प्रश्न आसीपे जे इज्राएल सरकार व पीएम परिवर्तन रे भारत उपर कौन इंपैक्ट र कौन इज्राएल एवं भारत संपर्क पूर्व भाई रोज ना आसीपे एठार कि मतभेद। देखो जपरिक मुझे पूर्वर मध्य कही नेथनियाहु शासन समय नेथनियाहु मंत्रिमंडल बेनेट एक मंत्री थे तेणु से इंडिया एवं इज्राएल डिप्लोमेटिक रिलेशन उपर बहुत भल भाव ज्ञान रखिंट जानी। यह छड़ा भारत एवं इज्राएल उभय मित्र राष्ट्र अटंती तेणु सरकार परिवर्तन एते अधिक इंपैक्ट भी भारत इज्राएल रिलेशन उपरे पड़ो ना कि मुझे रखापी चाहूँगी नेथनियाहु पी हूँ तो बेनेट काश्मीर इश्यू उपर इंडिया खोला खोली समर्थन न करपारती कारण स्पष्ट कहीं एथर बेनेट पीएम होगापी आरब पार्टी सहयोग नहीं तेणुक हुए तो से खोला खोली भारत सपोर्ट्रे कि कही नपारती तो यार मान यह नुह जे इज्राएल आ इंडिया रिलेशन को किसी हार्म कर रिलेशन जमती थी प्रायत से तो आग को कौन है इज्राएल कौन पूर्व भाई तार प्रभुत्व बजाय रख ना सृष्टि हम इज्राएल राजनीति में फाट ता तो समय कह। यह शेष ये भिडियो अधिक जानापी चैनल को सब्सक्राइब करें सहित बेल आइकन क्लिक करूँ। धन्यवाद।